हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नई प्रेस नोट जारी की गई है। आप देख सकते हैं इसकी डेट 26 अगस्त 2020 को है। इसमें क्या बताया गया है कि टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो टेंटेटिव डेट बताई गई है एग्ज़ाम की जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम हैं, तो फ्रेंड्स इसमें ड्रग इंस्पेक्टर इन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एग्ज़ाम होगा 2 नवंबर 2020 को, इसके बाद वर्क मैनेजर इन एचआरटीसी 3 नवंबर 2020 को, इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के जो फार्मेसी में एग्ज़ाम है वो होगा 4 नवंबर 2020 को, ठीक है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर इन फार्मेसी, ठीक है केमिस्ट्री में, तो वो होगा 5 नवंबर 2020 को। इसके बाद नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो है 6, तो वो है असिस्टेंट प्रोफेसर इन फार्माकोलॉजी, वो होगा 6 नवंबर 2020 को। और नेक्स्ट जो है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर इन फार्मेसी इन फार्मास्यूटिकल 7 नवंबर 2020 को। और इसके बाद जो टेंटेटिव डेट बताई गई है फ्रेंड्स, टेंटेटिव डेट ऑफ मेन एग्ज़ाम ऑफ HAS हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो एग्ज़ाम है वो होगा, इसकी टेंटेटिव डेट है 17 नवंबर 2020 से 24 नवंबर 2020 को। और एक्सेप्ट इसमें एक्सेप्ट बताया गया कि इससे छोड़ करके 22 नवंबर 2020 एंड 23 नवंबर 2020 को इसमें ऐड नहीं किया गया है, इसमें इस दिन छुट्टी होगी, मतलब 22 नवंबर और 23 नवंबर को एग्ज़ाम नहीं होगा। और 17 नवंबर 2020 से लेकर के 24 नवंबर 2020 तक चलेगा जो एग्ज़ाम, ठीक है वन वीक चलेगा जो एग्ज़ाम, और इसमें 22 और 23 को एग्ज़ाम नहीं होगा। आगे बताया गया कि टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ नॉन CBT ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, और ये जो टेस्ट है वो है स्टेट, ठीक है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये ऑफलाइन होगा, सेट का एग्ज़ाम है, ये होगा 22 नवंबर 2020 को। तो फ्रेंड्स आगे बताया गया कि द टेंटेटिव डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन आर सब्जेक्टेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ वेन्यूज एंड कंडक्टिव कंडीशन इन व्यू ऑफ द ऑनगोइंग COVID-19 पैंडेमिक, और ये सारे के सारे जो टेंटेटिव डेट बताई गई है जी COVID-19 को ध्यान में रख करके बताई गई हैं। तो आगे इसमें ये बताया गया है तो आप इसे पढ़ सकते हो ध्यान से। तो फ्रेंड्स ये एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि जारी की गई है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से वीडियो को हमने कंप्लीट कर लिया है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।